हेलो बस, कैसे हो आप सब? आप सबको अनुज की तरफ से एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो भाई बज रहे सुबह के 10। तो अभी हम हैं नरवाल में। देखो कल प्रोग्राम, कल पूरा दिन हमने साहिल भाई का वेट किया, साहिल भाई आ चुके। रात को उन्होंने उठाया, उनकी गाड़ी से पीछे खड़ी है, तो मुझे लगा साहिल भाई के रोड में मतलब पीछे के रखे गए। सोए उनको सुबह 8 बजे कंटिन्यू फोन करो, 10 बजे 2 घंटे से 50 फोन किए। सोए आपको उनकी नींद तो पता ही है। अब गौरव ने उठ के गाड़ी से पीछे खड़ी है, अब जा रहा है उनको उठाता हूँ, क्योंकि उनको थोड़ा गाड़ी का काम करवाना है। हम जाएंगे मिस्त्री के पास। और भाई एक खुशखबरी, जम्मू में एयरटेल 5G चल रहा है अभी। जियो अभी इनेबल नहीं हुआ, पर एयरटेल चल रहा है, स्पीड थोड़ी बढ़ गई। अब वो साहिल भाई की गाड़ी सामने, आपने इस बंदे को कहीं ना कहीं देखा होगा। और ये साहिल भाई जिनका मैं कल से इंतजार कर रहे थे, लोग बहुत थे, अलग हो गए, बड़ी लड़ाई हुई थी हमारी, कॉम्प्रोमाइज हुआ। अब हम जा रहे हैं मिस्त्री जी के पास, यहाँ पे काम करवाना है गाड़ी का थोड़ा सा। आगे भाई अपने मिस्त्री जी की दुकान पे, यहाँ पे हम गाड़ी का काम करवाते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पे? खर्चा करना है, कमाया ना बहुत, आप भी बड़ा कमाया। काम करवा रहे हैं, तरबूज पे जाएंगे ना, लंबे लंबे उसकी तैयारी हो रही है पूरी। हाँ, काम जरूरी है गाड़ी का, अपना भी ध्यान रखते हैं गाड़ी का। वो वाला टायर खोल दिया, गौरव लगा रहा है जैक, और साहिल भाई ये भी टायर खोल दिया। मैंने गाड़ी का मैं करा नहीं, जनरल पिन। जनरल पिन का मतलब जनरल से मत समझ सकते हो कि जनरल के मेन पिन होगी ना, उसी से पूरा टायर का कंट्रोल है। टायर मतलब ऐसे से हिलता नहीं है। अब लोया लोया लोहे से टकरा के घिस जाता है। ये इससे खोलेगा कुछ नहीं, इससे लगाओ वो पाना बात ठीक है। देखते हैं फिर आज कितना खर्चा था साहिल भाई का। नहीं, अब आए खर्चा जितना काम आए थोड़ा ज़्यादा है, अब गाड़ी का काम है, क्योंकि गाड़ी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रही। यहाँ पे डल रहे हैं अभी लेदर, ये दुकान यहाँ पे हम काम वगैरह करवाते हैं। अभी बस चाय लाई, मठी लाई, चाय पी रही है। गाड़ी यहाँ पे अपनी गाड़ी वहाँ मैन रोड पर ही, ऊपर उस गली के बाहर हाथ हाथ गर्म करो। अभी हो रहा है काम, रेडिएटर भी खोल दिया, रेडिएटर साफ कराने गया। देखो रेडिएटर का पानी निकला। अब यहाँ पे कर रहा साहिल भाई कुछ चेक, इस चक्के में लेदर भी पड़ गया अपने फ्रंट, और जो इसके ऊपर जो होता है ना वो ड्रम, वो गया टूल के लिए, उस पर टूल लगेगा। मतलब टूल मतलब वो अंदर से ना अप डाउन हो गया था थोड़ा थोड़ा, बहुत स्मूथ हो जाएगा पूरा, और उससे ब्रेक भी अच्छी लगेगी ग्रिप। बाकी गाड़ी खुली है तो हम भी चेक कर रहे हैं कि क्या यहाँ से सेंसर वगैरह लीक है ना, यही चेक कराना है। चल डेंटर पेंटर के क्या करना है उसको बोलेंगे। ये हो गया, रेडिएटर का काम भी हो गया। और यहाँ पे अभी ना आपको पता नरवाल में से पहले ब्लास्ट हुआ, तो उस वजह से यहाँ पे पुलिस वाले आके सब दुकानों पे लिख रहे हैं कितने बंदे कहाँ पे काम करते हैं, कितने कहाँ पे काम करते हैं, वर्कर कितने, कौन बाहर से बंदा आ रहा है। यहाँ पे हम बैठ के थोड़ी थोड़ी धूप, और मैं इतना भी नहीं हुआ है, हमें जनरल पिन जो करवाने हम आए थे वो नहीं हुई। जनरल पिन अपनी गाड़ी की ठीक है, बस लेदर पड़े इस पे। अब और छोटा मोटा काम, पीछे वाले टायर में लेदर डालने किसी में हो गई खत्म गया। ये गाड़ी का इंजन देखो, पाइपें वगैरह गंदी हो रखी थी ना, देखो वो नीचे वाली भी, बस ये भी साफ हो जाएंगे अब जब रेडिएटर पूरा साफ हो जाएगा। काम करवाते करवाते भाई बच गया दिन का एक, अब जाएंगे खाना खाने के लिए भी। अभी मैं गया था वॉशरूम, गाड़ी टर्न बाय टर्न नहीं जा रही ना, गाड़ी के पास किसी ना किसी को तो रहना ही है। ऑलमोस्ट सारा काम ही हो गया बस, अब आ गया ये ड्रम भी, इस पर भी टूल लग गया। टूल का मतलब ये देखो ना, पूरा स्मूथ हो गया, ऐसे अप डाउन था तो ब्रेक सही लगती नहीं थी, अब ब्रेक सही लगेगी। लेदर भी नए हो गए ना, ये भी नया हो गया अंदर से पूरा। बस करते हैं इसको फिट, बस फिर रेडिएटर आएगा, रेडिएटर फिट करके फिर हम फ्री हो जाएंगे आज। बाकी हो गया बस, अब रेडिएटर का वेट कर रहे हैं, गाड़ी की अंदर से वॉश, उससे धोई हमने डीजल से। जैसे ये कंपनी का कलर है, गंदा होता रहता है। आगे वाले सभी टायर वगैरह काम हो गया, अब चेक करवाया मिस्त्री जी, बोला इसमें लेदर पड़ेंगे, पीछे वाले टायर में हम इस पे लगा रहे हैं जैक। अब खाना खाने जाएंगे, खाना तो भाई बनाया उमर भाई ने हमारे लिए, उनकी गाड़ी में खाना वगैरह खा के आते हैं, फिर टायर वगैरह खोलते हैं आके। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भाई एक ऐप के बारे में। आप भी काफी गेम खेलते हो, अपना टाइम वेस्ट करते हो, तो वो एक गेम भी है, उसका उसमें अर्न भी करते हो, मोस्ट बेड नाम की गेम, आप डाउनलोड करो। देखो उस पर अपना, मैं भी काफी टाइम से खेल रहा हूँ, काफी 3-4 महीनों से खेल रहा हूँ, काफी पैसे उसमें अर्न करता हूँ अपना, ऑलमोस्ट खर्चा मैं उसी ऑनलाइन अर्निंग से ही निकालता हूँ। सो आप भी जाके जरूर खेलें भाई। देखो अपना अकाउंट बनाना बिल्कुल ईजी है, कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में जा, नीचे हमने कमेंट में पिन किया, वहां से लिंक से डाउनलोड कर सकते हो इजीली। अपना नंबर डालोगे, ओटीपी आएगी, अपना अकाउंट रजिस्टर करते हो तो आपको 150% का बोनस मिल जाएगा।
मैं नहीं कहता कि आप अपने पास अकाउंट पे पैसे डालो, आप अपने पैसे खराब करो, आप 150% से ही गेम खेलना स्टार्ट करो। जैसे आप धीरे धीरे जीत रहे हो आपको समझ आ रही है गेम की, तो आप जीते हुए पैसों को इजिली अपने अकाउंट में विदड्रा कर सकते हो, मतलब पेटीएम, गूगल पे, किसी भी UPI ID की तरफ। देखो मैं भी खेल रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो हम पैसे जीते हुए आसानी से अपने अकाउंट में विदड्रा कर सकते हैं। देरी किस बात की यार, गेम में खेल के क्यों टाइम वेस्ट करना, सो थोड़ा पैसे कमा लें। तो लिंक इन कमेंट जाके एक बार जरूर चेक करें। 2 बज गए और साहिल भाई अपने घर में खाना खा रहे, तो यहाँ पे भी है उमर भाई ने सुबह बनवा दिया, बोल रहे नहीं मैं सुबह खाना खा रहा हूँ, इंतजार कर रहे। फिर मेरे घर वहाँ जा रहे हैं उमर भाई के पास, खाना खा के आते हैं। अपनी गाड़ी वहीं लगी है, उस गाड़ी के पास ही। तब तक इसके भी पीछे सब पीछे वाले लास्ट जो चक्के उन पर डालने हैं लैदर, लैदर मतलब जो ब्रेक का काम करते हैं, और रेडिएटर भी साफ हो गया जाएगा, फिर फ्री हो जाएंगे। फिर खड़ी करेंगे गाड़ी, कल देखते हैं लोड का। तो भाई खाना पीना हो गया अपने उमर भाई के साथ, वापस जा रहे हैं साहिल भाई की हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो अकेले हैं। उनके साथ आए हैं तो भाई पर वो घूमने के लिए आए, जो घूमने के लिए वो भाई घूमे अच्छे से ना, उसको काम लगाएंगे तो कभी जिंदगी में घूमने नहीं आएगा। वो जा रहे हैं दिल्ली में, हाँ वो दिल्ली जा रहे हैं घूमने, तो हम काम हमारा तो ये है अपना काम, हमें तो चल चल मारेगा इधर कोई। गाड़ी कहाँ फंस जाती है, तो 3 बार दिखा है अभी फंसी नहीं कोई, यहाँ गाड़ी फंसती है बहुत, रात को फंसी थी अभी नहीं फंस रही कोई भी। साहिल भाई ने अब इसके भी ड्रम दे दिए, इस पे ना लेदर पड़ गया, जो इसके ड्रम थे ना उस पर टूल लगवाने के लिए, वो ना अप डाउन खा रहे थे। पुरानी गाड़ी है, कब से चल रही है इसके, ठीक है जब इसके खोलेंगे तो भी, जा तो ड्रम ले लो तो वो भी पैसे लगते हैं, एक बार टूल लगे उससे, क्योंकि अंदर ना ड्रम कई बार ये लगता रहता है तो ड्रम अप डाउन खाती रहती है, तो ब्रेक अच्छे से लगती नहीं है। वो दोनों भेजे आगे वाले हो गए फिट, अब गाड़ी की ब्रेक भी काफी बढ़ गई, ऑलमोस्ट साहिल भाई गाड़ी का सारा काम हो गया, रेडिएटर का वेट कर रहे हैं, देखते हैं रेडिएटर कब तक आएगा। काम खत्म करके अभी साहिल खा रहे हैं खाना, मैं खाना खा के आया था, तुमने टायर वगैरह खोल दिए, ये देखो यहाँ पे टायर ही टायर, यही मजा है ना 3-4 बंदे हो ना साथ में, तो एक दूसरे की हेल्प करो तो आराम से काम इजी हो जाता है। और ये मौसम भी यहाँ पे इतना गर्म नहीं है ना, आई थिंक ठंड है, बारिश वाला मौसम है, बट मौसम प्यारा ही है। अंदर अपना अभी किचन का काम चल रहा है, अंदर खाना खाने से भी, और बार रेडिएटर आ गया साफ होके अपना पूरा, अब बस यहाँ पे करना फिट करना, गाड़ी वॉश करानी है, और अभी काम बचा है रेडिएटर फिट करना, और बस ये ड्रम इन्होंने लगाने यहाँ पे, ये ब्रेक शू भी पड़ गए, लैदर लैदर ही पड़ गए, नहीं बस टायर करने फिट, फिर मेरा काम स्टार्ट, मेरे जैक उतारना है, तब फिर रेडिएटर भी पूरा फिट हो जाएगा, फिर देखो गाड़ी कितनी यार कितनी गंदी हो गई है, फिर कराएंगे गाड़ी की पूरी वॉशिंग, उसके बाद जो खुद भी नहाना यार कपड़े गंदे हो गए। अभी गौरव चढ़ा था टायर, मेरे से भी चढ़ा थोड़ा, उमर भाई ने हेल्प की, ये टायर चढ़ गया। अभी साहिल का खाना ही खा रहे हैं तो हमने उनको परेशान नहीं किया, क्योंकि यही काम है, रेडिएटर भी फिट हो रहा है, तो यार ये वाला काम खत्म हो जाएगा, फिर उस जाना होगा, किसी रास्ता नहीं है। अभी वो वाला टायर भी टाएंगे ना, इसका ड्रम आया ही नहीं अभी, ओ टायर घूम गया, ओ बड़ा रोको इसको, कोई यार रुक गया, हैंड ब्रेक, हैंड ब्रेक डाली है फिर भी घूम रहा है। सो गाइस इतिहास में पहली बार आप देख सकते हैं हैंड ब्रेक डालने के बावजूद भी गाड़ी इसका निकलता है, मेरे पास बेईमान निकलता है, छोड़ो पूरा फ्लो से धक्का दोगे फिर नीचे, छोड़ो ना क्यों उठा लगा ही नहीं पत्थर यार, उठा हुआ पत्थर लगा ही नहीं है, बहुत दूर है पत्थर, नहीं यार पत्थर रुका हुआ है, हेलो हो गया सही, छोटू मैं कर रहा हूँ अकेले, वाह कभी कभी ऐसे तरीके से भी करना पड़ता है, एक और एक साहिल भाई, हाँ जी ये लास्ट में कर देना, ये किसी दिन बाहर आ जाएगा, ऐसे कुछ किया लाया पानी भर के, अब रेडिएटर में डाल रहे पानी, बस पानी डालना है, और टायर उस साइड का तो चढ़ा दिए, इस साइड का भी ड्रम नहीं आया, जैसे ड्रम आता तो ये टायर चढ़ाएंगे, उसके बाद सीधा पार जगह खा लिया, सीधा वहाँ पे गाड़ी वॉशिंग, उसके बाद खुद नहा के हम फ्री, टायर भी हो गए, अब मेरा काम स्टार्ट, कहाँ गए जैक इसके, एक जैक दूसरा जैक, टायर लग गए सारे, जैक उतारेंगे फिर ले जाएंगे गाड़ी आगे वॉशिंग के लिए, फाइनली सारा काम हो गया, फिनिश हो गया जी, पका हो गया, बस सब हो गया, वाश करवानी है पर वहां पे भी जैसी भी कर रही है ना वॉशिंग, तो उसके बाद ही करवाएंगे, तो गाइस काम सारा अपना हो गया, सारा काम, अब मुंह धो रहे क्योंकि हाथ पूरे कपड़े गंदे हो गए थे ना, तो भाई ये जा रहे हैं दिल्ली, बस पहले हमें अब जाना ATM पैसे निकालने, जो अभी काम किया जो लेबर देनी है वो देनी है, उसके बाद भाइयों के टिकट का पता कर रहे हैं, यहीं ऊपर वाली साइड बस स्टैंड आपको पता है, वहां से स्लीपर जाएगी जो भी, तो उस पर भाइयों की टिकट फिक्स करके फिर हमें जाना है
हमने अपने लिए मंगवाया एक माइक, वायरलेस माइक, अभी चेक करेंगे चलेगा नहीं चलेगा टेस्टेड, वो मंगवाया यहाँ पे, वहाँ से वो लाना है। और उसके बाद साहिल भाई कह रहे हैं वेमॉल जाना है, मेरा मन नहीं है वेमॉल जाने का, पर साहिल भाई कह रहे हैं जाना है, तो फिर वेमॉल भी जाना है, आगे खाना भी पकाना, गाड़ियाँ भी वहीं हैं क्योंकि यहाँ पे ना वो मशीन धो रही है, ये भी सर्विस स्टेशन है, बट वहाँ से हमने पानी यूज़ किया तो अभी वहाँ जेसीबी धोने हो रही है, तो बाद में उमर भाई को बोलेंगे वो गाड़ी लगा देंगे, वहाँ पे गाड़ी भी वॉश हो जाएगी। आ गई अपनी बाइक भी, ये के तीन अपने बाइक की, ये भी बस अभी इसी को लेके जाएंगे, एटीएम से पैसे निकाल के लाएंगे और टिकट करवा के लाएंगे, यहीं गाड़ी अभी यहीं रखेंगे, अभी बना रहा हूँ मैं वीडियो का थंबनेल। फाइनली सारे काम फिनिश हो गए, वो पीछे गाड़ी खड़ी है, जामीन भी आ गया यहाँ पे, तो अब जाना भैया और जिम बाइक लेके जाएंगे सिस्टर के पास, यहाँ पे माइक ऑर्डर किया वहाँ पे, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ सीधा अपनी गाड़ी में, अपनी गाड़ी खोलते हैं देखते क्या सीन आ गए। पहुँच चुके अपनी गाड़ी के पास, जल्दी से गाड़ी को करते हैं अनलॉक, और मुझे और एक काम याद आ गया, अरे गाड़ी खोलते ही काम ये याद आ गया कि अंदर से मैं पानी वाली कैनी निकालता हूँ, फिर से गाड़ी ला करके फिर जाता हूँ मैं, जल्दी से पानी लेके आते क्या पता बाद में टाइम मिले ना मिले, अभी पानी भर के रख लेता हूँ मैं गाड़ी में। आ गया वहाँ से बाइक लेके, अब हमें जाना है भाई यहाँ से ना बस स्टैंड जा रहे हैं हम, यहाँ पे पता करना है दिल्ली के लिए स्लीपर कहाँ से निकलेगी, कितने बजे निकलेगी और क्या प्राइस रहेगा, पता करके आपको पता नहीं जम्मू से दिल्ली का स्लीपर का क्या किराया, तो सो आपको एक आइडिया हो जाएगा। सो गाइस हो गए अभी स्लीपर वाले से बात, भाई से भी हो गई बात, हो गया ठीक, अभी जाएंगे स्लीपर पे, पहले टिकट कराएंगे बुक कराएंगे स्लीपर, ये बड़ा मसला होता है, इनका दफ्तर वहाँ जीवल में होता है ना, यहाँ भी खाली पार्किंग में होते हैं, तो अब यहाँ से आसानी होगी और यहीं से गाड़ी में चढ़ेगी तो अच्छा रहेगा, जाएंगे पहले ये अनुज भाई बाइक चला रहे हैं और मैं पीछे बैठा हूँ। सो गाइस कर ली हमने ये वाली बस बुक, ट्रैवल पॉइंट वालों की बस है, 5005 गाड़ी का नंबर है, तो बस अभी जाएंगे हम वापस, पहले अनुज भाई कपड़े चेंज करेंगे फिर देखेंगे आगे। आगे लास्ट फाइनली बस पे भाइयों को बिठा दिया बस पे, ये स्लीपर बस। सर आप दिल्ली जा रहे हो? हाँ मैं जा रहा हूँ दिल्ली, बहुत दूर चला जाएगा बस, कहाँ जाएगा सही दिल्ली, मैं गलत फहमी में इस बस में चढ़ा भाइयों को चढ़ा दिया गाड़ी पे और हम पहुंच गए आपसे अपनी गाड़ियों के पास। अब मुझे जाना है अपने कजन के पास, थोड़ा सामान मंगाया था ऑनलाइन वो लेने के लिए, जो माइक से बताया आपको। ये आ गया गाइस जम्मू एयरपोर्ट, हम आए थे यहाँ पे कुछ काम से, सबको बताया माइक हमने ले लिया, बस जाके गाड़ी में चेक करेंगे, इसी के ब्लॉग के एंड में डालेंगे। ये देखो कितना प्यारा एयरपोर्ट, और मेरे और साहिल भाई का सपना यहाँ से हमें बैठ के श्रीनगर जाना है जहाज में, मतलब गाड़ियाँ चल रही होगी पर हमें देखना है जिस रोड पे चलते हैं, जिस रोड पे गाड़ी सीखी वो रोड ऊपर से कैसे दिखती है, वो पहाड़ों का व्यू ऊपर से कैसे दिखता है। बस अभी चल रहे हैं धीरे धीरे, अब खाना बना लिया होगा उमर भाई ने, गौरव भाई ने और एक दो भाई है, तो वहाँ पे खाना वगैरह खाएंगे फिर करेंगे आराम, देखते हैं सुबह लोडिंग का क्या करना है, लोड करना है, कहाँ जाना है क्या करना, अभी हम हर जगह फोन करेंगे कहाँ से वापसी का माल है या नहीं है। अब वैसे बताया मेरे को शादी भी काफ़ी ज़रूरी, उस वजह से हम बाहर नहीं जा रहे, बस शादी हो जाए उसका मैं और साहिल भाई कंटिन्यू बाहर ही चलने वाले हैं। सतवारी चौक भाई अभी नो एंट्री खुल गया, तो ट्रक वगैरह भी आ रहे हैं, देखो भाई सिटी से जा रहे हैं ट्रक, जिनको यहाँ पे नो एंट्री रहती है, जो दो कितना प्यारा लग रहा है लाइन। तो हम जिस काम के लिए गए थे हम उस हमें उस चीज़ को ले आए, ये माइक है मेरे और साहिल भाई के पास एक एक, नहीं अभी हम टेस्ट नहीं कर रहे, हमने टेस्ट कर लिया सही चल रहा है, आप बताना गाइस कैसी आवाज आ रही है, आवाज एकदम मस्त, दूर जाएंगे ना इससे साहिल भाई अपनी जगह बात, थोड़ा उधर कर लो मुड़िए आप। हाँ जी साहिल भाई ठीक हो? बस भाई ठीक हो, तो आपको आवाज मारी ना बराबर आ रही होगी, ये आपको आ रही होगी, ऐसा नहीं है कि देखो मैं कैमरे के पास और साहिल भाई कैमरे से उतर रहे, आवाज प्रॉपर, आवाज आपको बराबर आएगी, ये हमने इस चीज के लिए लिया ना क्योंकि अब साहिल भाई भी ब्लॉग बना रहे हैं तो हम दोनों का ये काम आएगा, चाहे हम फूड ब्लॉग बनाएंगे कोई भी बनाएंगे, जैसे हम रसा तरपाल करते हैं क्योंकि अभी तक हम बनाते हैं वो ब्लॉग, जैसे हमें टायर करना होता तो ना हमारे हाथ बिजी थे, एक कैमरा में होते तो अगर दूर से हमारी आवाज नहीं आती, अब हम तरपाल वगैरह करेंगे प्रॉपर एक ब्लॉग पूरा बनाएंगे, क्वालिटी बराबर आएगी, किसी के चैनल पे बनाएंगे ना कि एक ट्रक पे तरपाल करने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि काफी लोग जो ट्रक पे ना ब्लॉगिंग कर मतलब ट्रक सीखने आ रहे हैं वो सिर्फ ब्लॉग देख के, कई लोग आ रहे हैं वो समझ नहीं सकते कितना वहाँ पे काम है। तो अब माइक आ ही गई है तो थोड़ा एक शार में बोलना चाहता हूँ इस माइक के नाम पे, मजनू को अगर इश्क है, मजनू को अगर इश्क है तो कमाना सीखे, कमाना सीखे, मजनू को अगर इश्क है तो कमाना सीखे, लैला बेरोजगारों का हाथ नहीं थामती, वाह 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 इशाद, थैंक यू। सो गाइस आपने खत्म हो गया बस इतना यार, शेर का क्या स्टार्ट होने से पहले खत्म हो गया, कमजोर शेर था, शेर कमजोर था क्योंकि आज मैं भी कमजोर हूँ। तो ये बाय द वे माइक ठीक है, आप बोल देना कैसी है कमेंट में,
चल भाई कल से टेस्ट करेंगे दूर से कितनी रेंज है इसकी। हाँ कल इनको पैदल भेजेंगे कहीं। अंधेरा तो आपको पता ही है, पड़ी क्या मैंने चावल बनाए हुए थे, चावल है। और हमारे साथ हांजी भाई, बस बढ़िया ठीक हो? अभी अनिश भाई फोन आ गया, अनिश भाई का फोन आ गया, उठाते हैं। वो सालवे की गाड़ी में पीछे बन रहा है चिकन, तो चावल मैंने बना दिया, बस खाएंगे तो खाके फिर सो जाएंगे, फिर कल उठते तो कल देखते लोडिंग का क्या होगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, एक छोटा सा लाइक कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।